हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज मेरे साथ नदीम है। नदीम काफ़ी टाइम से हमें इंस्टाग्राम पे देख रहा था और नदीम बैक पेन के साथ में आया है। नदीम की अभी कपिंग हुई है, नीडलिंग हुई है, स्टिमुलेशन भी किया हमने, नहीं खाली ड्राई नीडलिंग की है हमने और अभी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। नदीम एडजस्टमेंट जानते हो? यस, कायरोप्रैक्टिक इसीलिए आए हो बेसिकली? कपिंग नीडलिंग के लिए आए थे, नहीं आए थे? हाँ, या स्लो बैक पेन में जो भी आप प्रेफर करते हैं वो करने के लिए आए थे। तो आप एक्टिव प्लस आपको क्यों समझा है? बहुत सारे और सेंटर्स होंगे ऐसे। नहीं, एक्टिव प्लस एक्चुअली मैं आपको काफी टाइम से देख रहा था, आपकी वीडियोस देखी तो काफी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स देखे और एक मेरे साथ एथलीट है जो मेरे साथ कम्पीट किया, उसने सुनैना सेठिया, तो उनके रेफरेंस उनको मैंने देखा था तो मैं आपके पास आया। सुनैना से, सुनैना के जितने भी फ्रेंड्स हैं सब हमारे पास ही आते हैं। तो मैं आप लोगों को जल्दी से एडजस्टमेंट दिखाऊंगा, शॉर्ट वीडियो है, प्लीज देखते रहिएगा और मैं भी समझूंगा क्योंकि जब तक कि अंदर कपिंग और नीडलिंग होती है मुझे बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है। मेरा सारा असेसमेंट पेशेंट के एडजस्टमेंट के ऊपर होता है कि वो कितना टाइट है, कितना लूज है। एज यूजल आप सब देख सकते हैं ये बहुत मस्कुलर है और मैं इसके एसआई जॉइंट पे हाथ रख रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि इसका राइट एसआई जॉइंट ज़्यादा प्रोमिनेंट है कंपेयर टू द लेफ्ट एसआई जॉइंट। इसका मतलब ये भी है कि ये राइट साइड पे ज़्यादा वेट डाल रहा है। नेचुरली ये इसकी फीट की शेप ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा 19-20 चेंजेस नहीं है, बहुत माइनर, बट मैं ये देख पा रहा हूँ कि अपने लेफ्ट फीट पे ये आगे की तरफ वेट ज़्यादा डालता है चलते समय। नदीम याद रखना है पंजे पे वेट नहीं डालने, इसके शूज भी मैं चेक कर लूंगा कौन से पहन रहा है कौन से नहीं पहन रहा है, पर थोड़ा सा मैकेनिकल इश्यूज है। ब्रीद आउट करेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। ओके, आई फॉरगॉट टू यूज, बहुत टाइट है ये। उट करेंगे, छोड़ेंगे। टर्न करेंगे, यस, देयर इज सम एडजस्टमेंट एट द लोअर डॉर्सल बट नॉट एट द अपर डॉर्सल। मेरी तरफ करो क्लियर ना हो गया। तो आप फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग करते हो या पावर लिफ्टिंग करते हो? बॉडी बिल्डिंग। इसको बैंक कर लेंगे। कब से कर रहे हैं? 2016 कंप्लीट किए हैं। शेरू क्लासिक। अच्छा, शेरू भी हमारा दोस्त है। इजी, लोअर बैक बिल्कुल फ्री है उस तरह। निकलो पैसे का। इजी, थोड़ा सा मूव अराउंड करके देखना चाहोगे, फील करना चाहोगे कि कैसा फील हो रहा है? कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है? कैसा हल्कापन? क्या बैक से काफी रिलैक्स, काफी रिलैक्स मिड बैक और स्कैपुला। हां, तो आज तो फर्स्ट सेशन है और एक्चुअली मैं सबको यही बोलता हूं अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वो जीरो है क्योंकि हीलिंग अब यहां से स्टार्ट होगी। स्टार्ट होगी तो मुझे पता है। हां, अब आप जब कल सुबह उठोगे तो आप मैक्सिमम
एक सेशन का महसूस करोगे। और मैंने नदीम को यही कहा है कि ठीक है स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ एक्सरसाइज भी करता है तो रेगुलर आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम स्टार्टिंग में 2-3 सेशन एक एक दिन छोड़ के ले लो और अगले वीक फिर 2 सेशन हफ्ते में ले लो, इन 2 हफ्ते में 5 सेशन मोर देन एनफ है, तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान होने की या दिक्कत कुछ भी नहीं जरूरत है। बट अगली बार जब भी कभी हो तो एक सेशन लेके चले गए, हो सकता है आपका 15 दिन महीना उससे 2 महीने गुजर जाए करेंगे, बट अगर आप एक साथ काफ़ी सारी दिक्कत लेके आओगे तो हीलिंग में टाइम लगेगा। यही हमारा यानी जो हमने सीखा था। और मुझे खुद लग रहा था कि मैं काफी सारी दिक्कत लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ टाइम में कभी कपिंग वगैरह मैंने कराई नहीं। अच्छा कभी नहीं कराई? कभी नहीं कराई, फर्स्ट टाइम है मेरा। चलो ठीक है, इसके लोअर बैक बहुत ज्यादा टाइट नहीं थी, डोर्सल स्पाइन एज यूजुअल वेट लिफ्टर है, 90% हाथ चलता है 10% लेग्स चलते हैं, तो अपर डोर्सल स्पाइन हमेशा ही ज्यादा स्टिफ होती है, ये ग्लूट्स की वजह से और हैमस्ट्रिंग की वजह से भी टाइट हो जाते हैं। वाह, मेरा ये लोअर को ये जो पोर्शन है मेरा पेल्विक ये है भी है। अच्छी बात है। हाँ ये अच्छी बात है, ये तो मैं कहता हूँ कि आदमी की जो मोटर होती है जिससे ताकत मिलती है ये इंजन होता है वो उसे ग्लूट्स। एक्चुअली जो मेरी मम्मी है ना उनकी जो जनरेशन है 9th जनरेशन वो रेसलर है। अच्छा कंटिन्यूटी में? कंटिन्यू। आप 9th हो या 10th हो? मैं 9th हूं। एक्टिविटी ओ 10th, चलो फिर तो यानी आप लोगों ने कितने 500 साल देख लिए। हाँ देख लिए होंगे। सो एक लास्ट वर्ड व्यूअर्स के लिए, अगर उनको कुछ जानना हो कुछ आपको लगता है जो नहीं जानते होंगे लोग, जो मैं नहीं बता पाता, जो आपने मेरी वीडियोस में नहीं सुना हो, जो बताना चाहो मैं भी बता सकता हूँ आपकी तरफ से। पहले मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है लो बैक पेन है या फुट पेन है तो आप सर के पास आ सकते हैं, मैं सेटिस्फाई हूँ, और जैसा जैसा सर ने बोला है वैसा मैंने एक्सपेक्ट भी किया था। बट नहीं, अपने जैसे आप बॉडी बिल्डर हो एथलीट हो, आपके दिमाग में कुछ विचार होंगे कुछ सोच होगी कि यू नो जो लोग झिझकते हो आने के लिए या देखने के लिए, वो कोई ऐसी चीज जो उनको कनेक्ट कर सकती हो एथलीट्स को? देखो बॉडी एक मशीन की तरह होती है तो इसकी सर्विस भी हमको देनी पड़ेगी, तो काफी सारी प्रॉब्लम आती है, तो आपको अगर हीलिंग होना है तो आपको आना पड़ेगा। देखो स्पोर्ट्स है, इंजरीज तो होती रहती है इसमें, लेकिन हमको प्रोटेक्शन भी चाहिए इसके लिए, तो आप आइए। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस, आप लोग बहुत सारा प्यार हम पे बना के रखते हैं, अगर आपको सिमिलर वीडियोस या कोई और कंटेंट आप देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, वी विल ट्राई टू मेक एवरी कंटेंट एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।